दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और डिग्री करने के बावजूद भी नौजवानों को जॉब नहीं मिल पा रही है। इस बूमिंग इंडियन इकोनॉमी में जॉब्स बहुत हैं, पर जिस फील्ड में जॉब्स ज्यादा हैं, उस फील्ड में स्किल्ड कैंडिडेट बहुत कम हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स आ रही है और आईटी फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल सिर्फ 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस पर भी 50% से 100% तक हाइक ले रहे हैं। इसलिए आज हम आपको टॉप 7 हाई पेइंग आईटी स्किल्स बताएंगे और उन्हें सीखने के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी देंगे। इन कोर्स में आपको इस तरह का वैल्यूएबल स्किल अप बाय सिंपली लर्न की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सभी कोर्सेज सेल्फ पेस्ड होंगी, मतलब आपको किसी भी तरह का शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। तो चलिए वन बाय वन करके 7 हाई पेइंग आईटी स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं विद फ्री कोर्सेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट काफी समय से चलता आ रहा है और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जिसको वो अपने पोर्टफोलियो जैसा यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को सेल करने के लिए। वेब डेवलपर का काम होगा कि वो वेबसाइट्स बनाए और उसको मेंटेन करे। वेब डेवलपमेंट में 3 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सपोज जब भी हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं और जो भी पार्ट हमें विजिबल होती है, जैसे कि डिजाइन, इंटरफेस एटसेट्रा, ये सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है। टेक्नोलॉजी यूज्ड। फ्रंट एंड डेवलपर HTML, CSS, JavaScript में वेबसाइट के फ्रंट का डिजाइन करता है, इसीलिए फ्रंट एंड डेवलपर को वेब डिजाइनर भी बोलते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट के फ्रंट को कोड के थ्रू तैयार करना पसंद है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। नंबर 2, बैक एंड डेवलपमेंट। आज के समय में बैक एंड डेवलपर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और उनके काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बैक एंड डेवलपर वेबसाइट के डेटाबेस सर्वर को मैनेज करता है, कोडिंग के थ्रू लॉजिक लगाता है कि वेबसाइट पर कोई भी यूजर ऐसा हिट करता है तो उसको क्या दिखाना है। बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपको वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना चाहिए जो बैक एंड टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जिसमें PHP, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी एंड Node.js आते हैं। जिन लोगों को ये दोनों काम आता है, फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी, उन्हें फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। मोस्टली कंपनीज फुल स्टैक डेवलपर्स को हायर करना पसंद करती है क्योंकि उनके पास दोनों स्किल्स होती हैं, जिससे वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को एक साथ मैनेज कर ले। फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स के कंपैरिजन में फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी ज्यादा होती है, फिर भी कंपनीज के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव ही है क्योंकि दो चीजों के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ रहा है। फ्यूचर में भी फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं इन कोर्सेज को फ्री में कैसे सीखें। तो इसके लिए आपका हेल्प करेगा सिंपली लर्न का ये न्यू प्लेटफॉर्म स्किल अप। दोस्तों, ये कमाल का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सभी मोस्ट पॉपुलर इन डिमांड आईटी स्किल्स सीखने के लिए फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके स्किल अप बाय सिंपली लर्न के वेबसाइट पर आ जाओ। देखिए, यहाँ पर डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI एंड मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, DevOps, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा जैसे 12 से भी ज्यादा मोस्ट इन डिमांड डोमेन पर फ्री कोर्सेज मिल जाएगा। सभी कोर्सेज सेल्फ पेस्ड हैं, मतलब किसी भी तरह का शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। हर एक कोर्स में आपको इस तरह का फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके CV की वैल्यू बढ़ा देगा और जॉब पाने में हेल्प करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेब डेवलपर्स एंड डिजिटल डिजाइनर्स की ग्रोथ 8% होगी 2019 से 2029 तक, जो कि हर दूसरे ऑक्यूपेशन से फास्टर ग्रोथ है। अब हम कुछ टेक्नोलॉजीज को जानते हैं जो वेब डेवलपर्स यूज करते हैं। नंबर 1, HTML वेब लेआउट तैयार करने के लिए। नंबर 2, CSS वेब स्टाइलिंग के लिए। नंबर 3, React.js ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। नंबर 4, Node.js ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। नंबर 5, MongoDB ये एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी है जो वेब एप्लीकेशंस के डेटा को स्टोर करती है। नंबर 6, Angular ये एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है जो टाइपस्क्रिप्ट पर बेस्ड है। इसके अलावा और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो वेब डेवलपर्स यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन, PHP, जावा, रूबी एटसेट्रा। ये सभी स्किल्स आप स्किल अप से फ्री में सीख सकते हो। देखिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड कैटेगरी बना दी गई है। 37 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं, जैसे ये 10 आवर्स का फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, यहाँ पर 12 आवर्स का फ्रंट एंड का कोर्स है। हर एक कोर्स को आप 90 डेज तक बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। HTML, CSS, जावा, पाइथन, React.js, इन सब के अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे।
स्किल अप बाय सिंपली लर्न के सभी कोर्सेज का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट जरूर करें क्योंकि सभी कोर्स में आपको काफी हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अगर वेब डेवलपर्स की सैलरी के बारे में बात करें तो यूएसए में अप्रॉक्स $62,000 से लेकर $1,58,000 पर एनम का पैकेज मिल सकता है और हमारे इंडिया में 13.7 लाख से 30 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले स्किल की। नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी। कोविड के आने के बाद से हमारी डेली लाइफ टेक्नोलॉजी पे और भी ज्यादा डिपेंडेंट होने लगी है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के राइज के साथ साथ साइबर थ्रेट्स और सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा भी और बढ़ गया है। और ऐसे ही साइबर थ्रेट से बचने के लिए कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करती है कोई भी अटैक, डैमेज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। फोर्सेस के मुताबिक 2022 में हमें बहुत सी साइबर सिक्योरिटी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है और साइबर क्राइम मैगजीन के मुताबिक पूरी दुनिया को साइबर क्राइम से $10.5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है 2025 तक। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी की मार्केट $152 बिलियन 2018 से $248 बिलियन 2023 तक और भी ग्रो करने वाली है क्योंकि अब वेब 3.0 आ रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए फ्री कोर्सेज की बात करें तो दोस्तों स्किल अप बाय सिंपली लर्न ने साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन ही बना दिया है। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर आपको कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एथिकल हैकिंग फॉर बिगिनर्स, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड सिक्योरिटी जैसे 6 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। ये सभी कोर्स आप फ्री में कर सकते हो और हर एक कोर्स में फ्री सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। ओके, सो नंबर 3 पर जो इन डिमांड आईटी स्किल है वो है एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई के माध्यम से हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जो इंसान के दिमाग जैसा सोच सकता है और वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ML AI का एक ऐसा ब्रांच है जो डेटा को एनालाइज करता है और एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग को ऑटोमेट करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिस्टम को दिखाया जाता है डेटा स्टोर करके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और बिना इंसानों के इंटरवेंशन के डिसीजंस लेना। AI एंड ML दोनों भी काफी प्रॉमिसिंग करियर्स है और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा राइज होने वाली है। एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबली मशीन लर्निंग की मार्केट $7.3 बिलियन इन 2020 टू $30.6 बिलियन इन 2024 तक ग्रो करेगी विद CAGR ऑफ 43%। एक्सपेक्टेड है कि अगली डिजिटल लहर AI और ML की ही होगी जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस अभी से तैयार कर रहे हैं लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए स्किल अप बाय सिंपली लर्न ने इसके लिए भी एक डेडिकेटेड सेक्शन ही बना दिया है जहां आपको 10 से भी ज्यादा फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे AI एंड मशीन लर्निंग सीखने के लिए। जैसे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद R, ये 10 घंटे का फ्री कोर्स है, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। नंबर 4, DevOps। DevOps 2 words का कॉम्बिनेशन है, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस। DevOps एक अम्ब्रेला टर्म है जो डिस्क्राइब करता है टीम ऑपरेशंस को कोलैबोरेट करने के लिए थ्रू आउट एंटायर प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये एक कॉम्बिनेशन है टूल्स एंड फिलोसफीज का जो टीम की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करती है जिससे उनको अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। DevOps प्रोफेशन से ज्यादा एक कल्चर है जो एक न्यू थिंकिंग को इनिशिएट करता है। फ्यूचर में DevOps की डिमांड बहुत ज्यादा राइज होने वाली है, इसलिए ये चेंज को अडेप्ट करिए और स्किल अप के DevOps के कोर्सेज में साइन इन करके अपने करियर की शुरुआत करिए। आप देख सकते हो स्किल अप ने DevOps को सिखाने के लिए 9 से भी ज्यादा फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के 5th नंबर स्किल की। नंबर 5, डेटा साइंस। दुनिया भर की सारी कंपनीज अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करती है जिससे वो उनको एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके और इम्प्रूव हो सके। कंपनीज बहुत सारा डेटा गैदर करती है जिसके लिए नॉन ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स और सॉफ्टवेयर का यूज होता है। डेटा साइंस प्रोफेशन में आपको बहुत सारे डेटा में से सिर्फ नॉलेजेबल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर्स की पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। आज के जमाने में डेटा साइंस एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड बन गई है और 46% डेटा साइंस जॉब्स में पाइथन को यूज किया जाता है। स्किल अप प्लेटफॉर्म पे डेटा साइंस के लिए काफी सारे कोर्सेज हैं जिसको करके आप अपने करियर में बहुत ग्रो कर सकते हैं और डेटा साइंस को काफी बेहतरीन प्रोफेशन माना जाता है।
नंबर 6 डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग हॉटेस्ट फील्ड माना जा रहा है, जिसमें प्रोफेशनल्स को काफी अच्छी सैलरी भी मिल रही है। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको एक ही स्किल नहीं बल्कि काफी सारी स्किल्स को सीखने की जरूरत होती है, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग एक्सेट्रा। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन इंडिया में हर साल 25-30% ग्रो कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी वैरायटीज हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्किल्स सीखना चाहते हो। स्किल अप पे साइन इन करिए और आपको बहुत से फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सीखने मिलेगा, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ। यहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग की ऑल टॉपिक्स एकदम डिटेल्स में सीख सकते हो। 28+ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती जा रही है, वैसे ही प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपने आप को काफी अपडेट करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो प्रोफेशनल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में मदद करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाता है कि अपनी टीम को कैसे मैनेज करें और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें, वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर स्किल अप के कोर्सेज ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसमें सारे फंडामेंटल एंड डोमेन कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजिंग एंड क्लोजिंग, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर पाओगे। ये सारे कोर्स के अलावा भी सिंपली लर्न की वेबसाइट या ऐप पे आपको और भी कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप कोई इन डिमांड IT स्किल्स सीख कर हाई पेइंग जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्किल अप बाय सिंपली लर्न के लिंक पर क्लिक करके आज ही साइन इन करें और अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो। वहाँ डेली करियर, जॉब्स, स्किल्स, फ्री वेबिनार से रिलेटेड फ्री रिसोर्सेज एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं। कमेंट्स में बताओ आप कौन से स्किल में इंटरेस्टेड हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।